से मिस हुआ है एंड वो 21 साल के गोल्ड एक्टर को मैं आप लोग की मदद के साथ इनवाइट करना चाहता हूं। क्या उनको सुनना चाहोगे? यस और नो? एक जबरदस्त साउंड अप्लॉज के साथ हेल्प मी इनवाइट मिस्टर गजेंद्र जी। सर अपनी करंट अप्लाइंग को मैं बोल नहीं पा रहा था सर कि आपके साथ वेस्ट चीज नहीं करना है और मैंने सर रोते रोते उनको फोन पे मैसेज किया था सर कि आपके साथ मेरे को वेस्ट चीज नहीं करना और सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग या तो नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं करूंगा या तो आपके साथ काम नहीं करूंगा करके उनको रोते रोते मैंने मैसेज किया था और सर वो जैसे मैंने उनको मैसेज किया एग्जैक्टली 20 मिनट बाद वो अगेन मेरे जिस सिटी में मैं रहता हूँ भिलाई वहाँ पे पहुंचे और सर मुझे पकड़ के एक जगह पे ले गए और वहाँ पे आधे घंटे का डिस्कशन था सर और उस आधे घंटे के डिस्कशन के बाद सर बाय चॉइस मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था सर। 4 महीने की जर्नी है और 4 महीने मैंने 210,000 रुपए अर्न किए हैं। करने की सोचा था सर। बहुत बड़ा रीजन है सर नेटवर्क मार्केटिंग से लोग लैम्बोर्गिनी परचेज कर रहे हैं बेंटले परचेज कर रहे हैं सर और नेटवर्क मार्केटिंग ऑल वर्ल्ड में सर बहुत फेमस है लोग अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं सर। एक डिसीजन लिया था नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा तो 1 महीने का 100 करोड़ अर्न करना है और सर मेरी टीम पे जबरदस्त लीडर्स हैं मेरी टीम पे 16 टैग होल्डर्स हैं सर डायरेक्टर्स हैं सिल्वर डायरेक्टर्स हैं गोल्ड डायरेक्टर्स हैं और सर सारे अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं सर। प्रकाश जी रोमांचल जी रवि जी उमेश जी एक जबरदस्त अप्लॉज चाहूंगा सारे लोगों के लिए। और सर हमने ज्वाइन करने के बाद न्यू सिटी से स्टार्ट की सर और न्यू सिटी से कुछ लोग मिले मनीषा जी घनेन जी सर नाम भूल रहा हूँ एक जबरदस्त तालियां इन लोगों के लिए होनी चाहिए। और सर एक डिस्कशन हुआ था सर मैं रायपुर गया था जस्ट 1 महीने ज्वाइन करने के बाद और सर कोई बड़ा चेक नहीं था और कुछ नहीं किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सर और उस समय एक पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिला था और उनसे मिलने के बाद रीजन क्लियर हुआ था कि वेस्टीज क्यों करना है और उस समय सर कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या कमिटमेंट आप ले रहे हो तो सर उस कमिटमेंट में मैंने बोला था कि सर मेरे को 1 महीने का 65,000 रुपीज अर्न करना है और लास्ट महीने सर वो टारगेट मैंने क्रैक किया मैंने 64,000 रुपीज अर्न किया। और हमेशा सर जो कमिटमेंट लेते हैं सर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं दिन रात एक कर देते हैं सर। ड्यूक बाइक परचेज की थी सर पहले और सर लास्ट 3 महीने में ड्यूक बाइक को इतना मैंने ट्रैवल किया उस ड्यूक बाइक से कि सर उसका बैटरी खराब हो गया उसके सॉकअप खराब हो गए उसके लाइट खराब हो गए इवन दो उसके टायर भी फट गया सर। इतना मैंने सर्विस दिया अपनी डाउनलाइन को सर उन्होंने जब भी बोला 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर हर एक जगह मैंने ट्रैवल करके अपनी डाउनलाइन को सर्विस दिया है सर। राइट स्पीकर बने हैं सर 23 स्पीकर हमने लास्ट मंथ बनाया सर और सारे जबरदस्त लीडर है सर। आने वाले टाइम में हमारा टारगेट है सर ये मार्च का मंथ 31st सर बिग डे होता है इसमें बहुत सारा दिन होता है बहुत ज़्यादा दिनों का ये महीना होता है और सर इसमें हमारा टारगेट है सर लास्ट हमने मैक्सिमम 31,000 पीवी क्लोज किया सर 31,000 पीवी क्लोज किया है लास्ट मार्च का टारगेट है सर 60,000 पीवी क्लोज करने का टारगेट है सर। वो मेरे भाई है मेरे फ्रेंड है सर। हमेशा मैं चाहता था मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था कि जब भी अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूं और वो 3 मेरे बड़े भाई हमेशा मेरे साथ रहते हैं सर अखिलेश सर दीपक सर यशवंत सर।
और वन एंड ऑनली मिस्टर प्रवीण सिंह भागरी सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। सर हम लोग बच्चे थे सर, हम लोग स्टार्ट किए थे सर, सर बेसिक कोई गलती होती थी मैं सर लोगों से पूछता था, लेकिन सर एक पेरेंट एक मेंटोर की तरह जो सपोर्ट की एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हरीश शर्मा सर के लिए। और सर सर हम डिसाइड कर लेते सर कि किसके साथ हमको वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं सर। और सर इंस्टाग्राम पे सर हमेशा कुशल शर्मा सर को फॉलो करता था, और सर अखिलेश सर से हमारी बात हुई थी और अखिलेश सर एक और यूसीडी का नाम बता रहे थे, और उतने में मैंने बोला सर उनके साथ नहीं करना, हमें कुशल शर्मा सर के साथ करने का जो ताली और कुशल शर्मा सर के लिए। और सर जब भी मैं वैश्विक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, एक दिन में था कि कभी ना कभी अभिषेक दुआ सर की टीम से काम करना है सर, और आज वो मौका मिल रहा है, एक बार जोर से तालियां होनी चाहिए अभिषेक दुआ सर के लिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गजेंद्र जी के।